सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ललित। कोविड वैक्सीनेशन के बाद हमने देखा और हम देख रहे कैसे हंसते, खेलते, डांस करते, सिंगिंग करते, जिम में वर्कआउट करते हेल्दी और यंग एज के लोग सडनली डेथ का शिकार हो रहे, और इसकी प्रमुख वजह है ब्लड क्लोटिंग। वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लोटिंग के, हार्ट अटैक के और ब्रेन के स्ट्रोक के मामले कई गुना बढ़े हैं। हाल ही के दिनों में वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लंदन की अदालत में यह माना कि उसके वैक्सीन का रेयर दुर्लभ साइड इफेक्ट ये है कि ब्लड क्लोटिंग हो सकती है और प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं, और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, और उससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS। भारत में जो कोविशील्ड नाम से वैक्सीन लगे थे वो इसी एस्ट्राजेनेका के थे। एस्ट्राजेनेका ही इसकी मदर कंपनी थी। भारत में लगभग 80-90% वैक्सीन इसी कोविशील्ड के लगे हैं। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमें वैक्सीन फ्री वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने नहीं, हमारी सरकार ने दी। सरकार का पैसा मतलब हम सभी टैक्स पेयरों का पैसा। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन का कारोबार करके अरबों खरबों का मुनाफा कमाया। जब भारत में बड़े पैमाने पे टीकाकरण हो रहा था तो कुछ बुद्धिजीवियों ने वैज्ञानिक आधार बताकर वैक्सीन का विरोध किया। उनका कहना था कि हमारा शरीर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और वायरस को निष्क्रिय कर सकता है, हमें बाहर से वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। उल्टे वैक्सीन हमारे शरीर में जाके सेलुलर लेवल पे डैमेज कर सकती है, लेकिन तब उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया, उनकी बात को दबा दिया गया। वैक्सीन विरोधी लॉबी और वैक्सीन पक्ष लॉबी में एक पॉजिटिव बेस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मेंस मीडिया जो हर बात पे, हर विषय पे पक्ष और विपक्ष का पैनल बिठा के लंबी लंबी बहस करवाता रहता है, लेकिन उसने इतने बड़े मुद्दे पे वैक्सीन विरोधी खेमे और वैक्सीन पक्ष के खेमे में बहस कराने की जरूरत ही ना समझी। उल्टे माहौल को ऐसे बनाया जैसे वैक्सीन का विरोध, वैक्सीन विरोधी मतलब समाज विरोधी, देश विरोधी। और वैक्सीन विरोधी खेमे पे वैक्सीन लेने का दबाव भी बनाया। खैर, आज इस बात पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब चिड़िया सूख गई खेत, अब पछताए क्या होत। अभी आज हमें बहस इस बात पे करनी है कैसे वैक्सीन के खतरे को नेचुरल तरीके से मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। वैक्सीन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ब्लड क्लोटिंग। उसको रोकने का और एक हद तक कम करने का आसान तरीका है धरती माँ से, मिट्टी से जुड़ाव। हम नंगे पैर खड़े होके वॉक करके धरती माँ मिट्टी से जुड़ सकते हैं, या फिर कॉपर वायर के थ्रू भी मिट्टी से जुड़ सकते हैं। कॉपर वायर के थ्रू मिट्टी से जुड़ने के लिए एक कॉपर वायर के एंड को धरती माँ, ग्राउंड अर्थ, मदर अर्थ, मिट्टी से जोड़ दीजिए, दूसरे एंड को अपने शरीर से। इस तरह मिट्टी, धरती माँ,
आपके बॉडी को अच्छी तरह हील कर देगी और टीके के दुष्प्रभाव को लगभग समाप्त कर देगी। इसके साथ ही अपनी डाइट में हर कलर की सब्जियां, हर कलर के सीजनल फ्रूट, स्प्राउट्स, भीगे हुए नट, भीगे हुए ड्राई फ्रूट को अच्छी मात्रा में शामिल करें और गेहूं और चावल की जगह 5 पॉजिटिव मिलेट को ले, जो कि एक रेशेदार भोजन है। और स्पेशली मिलेट की फर्मेंटेड अम्ली ले, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से साफ करके हील कर सकती है और वैक्सीन के दुष्प्रभाव को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकती है। और रोज 14 से 16 घंटे का उपवास रखें। 14 से 16 घंटे का उपवास रखने का सबसे बढ़िया तरीका है सूरज डूबने के बाद भोजन ना ले। सूर्यास्त से पहले भोजन कंप्लीट करने से जब तक हम सोएंगे हमारे डाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका होगा। डाइजेशन कंप्लीट मींस डीप स्लीप ऑन, गहरी नींद आएगी और गहरी नींद में हमारा शरीर अपने आप को अच्छी तरह हील कर पाएगा। और इसके साथ ही 14-16 घंटे का उपवास ऑटोफेजी को अच्छी तरह स्विच ऑन करेगा और वो स्विच ऑन होते ही हमारा शरीर के अंदर टॉक्सिन को खा के उनसे एनर्जी लेगा, उनको एनर्जी में बदलेगा। इस तरह शरीर अंदर से साफ होगा और वैक्सीन का दुष्प्रभाव को कम कर देगा। इसके साथ ही रोज आधा घंटा की धूप और लिविंग वाटर ले, आरओ वाटर की जगह। धन्यवाद।